नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A21s versus Vivo Y30 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A21s में 6.44 इंच जबकि 30 में 6.38 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि A21s से कम है। विड्थ की बात करें तो A21s में 2.96 इंच जबकि 30 में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि A21s से कम है। बात करें थिकनेस की तो A21s में 0.35 इंच जबकि 30 में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो A21s में 192 ग्राम जबकि 30 में 197 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि A21s से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A21s में TFT LCD जबकि 30 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A21s में 20:9 जबकि 30 में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A21s में 6.5 इंचेस जबकि 30 में 6.47 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A21s में 720x1600 और 30 में 720x1560 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A21s में 82.75% जबकि 30 में 85.07% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A21s में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 30 में 266 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A21s में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 30 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A21s में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 30 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A21s में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 30 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A21s में माली G52MP1 जबकि 30 में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A21s में सैमसंग एक्सीनोज 8 Octa 850 और 30 में मीडियाटेक हीलियो P35 मिलता है। बात करें रैम की तो A21s में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB, 6 GB, 6 GB की रैम मिलती है, जबकि 30 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB, 6 GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A21s में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB, 64 GB, 128 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 30 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB, 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो A21s में अप टू 512 GB जबकि 30 में अप टू 256 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A21s में 3 कलर्स जबकि 30 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
A21s में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,490 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 30 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,990 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,690 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में तीन फायदे और तीन नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में A21s आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में A21s आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M51 है, दूसरा Xiaomi Redmi Note 10 है, तीसरा Xiaomi Poco M2 Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y20 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।